उत्तराखंड मेरी मातृभूमि, मातृभूमि ओ मेरी पितृभूमि, ओ भूमि तेरी जयकारा मन ही माना। और एक बार आप लोग सब मेरे साथ बोलेंगे, बोलो नगीला देवता की जय। अपने बाल स्वरूप रूप के दर्शन दिए उन्हें जय हो नगीला देवता, सदा रक्षा करना यार। बताता हूँ, गंडियाल देवता होते हैं, द्वारपाल रखवाले होते हैं दोस्तों। तो दोस्तों रक्षा कौन कौन करते हैं दोस्तों, मैं आपको बता, जैसे भूमिया देवता करते हैं, गोलू देवता करते हैं, बजरंग बली जी करते हैं, भैरव देवता करते हैं, ये दोस्तों ये रखवाले होते हैं माता के, गंडियाल देवता के एकदम नागेंद्र देवता इनके गंडियाल देवता के भांजे होते हैं दोस्तों। तो दोस्तों यह परंपरा है वहाँ पर चली हुई है। और दोस्तों बुलाया था भागवत हो गया और ये हो गया, तो इनको वही पूजा लगती है, क्योंकि दोस्तों आप कोई और चीज़ की पूजा करके ऐसे करके इनका कर दोगे तो वो विधि विधान नहीं लगता है इनको। देवता का आशीर्वाद तुम्हारे साथ रहे, तुम्हारे बाल बच्चे फले फूले, तुम्हारा जो है मनोकामनाएं पूर्ण हुए होगा, तुम्हारे घरों की जो है भागोल भगवान। तो सब्सक्राइबर मेरा वीडियो देख लेगा तो दोस्तों उसे कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, सब चीज का निचोड़ आता है, सब चीज का मैं निचोड़ इसी में डाल देता हूँ कहाँ से क्या होता है दोस्तों। उत्तराखंड घूम लो क्या टिहरी क्या मुनिशारी, उत्तराखंड घूम लो क्या टिहरी क्या मुनिशारी, हम पहाड़ी नीचू। हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है अपने चैनल में दोस्तों, हिमचु पहाड़ी चैनल में। और दोस्तों जो मैं आज जो कहानी लेके आया हूँ, मैंने आपको कल बोला था नगेला देवता जो हमारे उत्तराखंड के प्रसिद्ध देवता हैं बोले जाते हैं दोस्तों, और गढ़वाल साइड में यह घर घर में प्रसिद्ध हैं दोस्तों। कहानी स्टार्ट करने से पहले सभी देवताओं को आह्वान लगा देता हूँ और सभी माता लोगों को विनती कर लेता हूँ मेरी कहानी के लिए। तो दोस्तों मैं हमेशा की तरह पहले स्टार्टिंग कर देता हूँ दोस्तों। प्रथम गणेश वंदना करूं, धरूं गुरु का ध्यान, आये कंठ विराजिए, करूं मैं नागेला देवता का आह्वान। जय हो नागेला देवता, सदा रक्षा करना, अपने छत्र की छाया हमेशा बनाए रखना। तो दोस्तों मैं कथा स्टार्ट करने से पहले सभी देवताओं को आह्वान करके आदेश कर देता हूँ। देवाधिदेव महादेव को हमारा आदेश हो, आदिपति कमलापति जी को हमारा आदेश हो, गुरु आदि गुरु दत्तात्रेय जी को हमारा आदेश हो, गुरु मच्छेंद्रनाथ जी को हमारा आदेश हो, गुरु गोरखनाथ जी को हमारा आदेश हो, गुरु कर्णिफानाथ जी को हमारा आदेश हो, गुरु जलिंदरनाथ जी को हमारा आदेश हो, गुरु चौरंगी नाथ जी को हमारा आदेश हो, गुरु कर्णिफानाथ जी को हमारा आदेश हो, सभी देवी देवता नौ सिद्धों को मेरा आदेश हो, आदि गुरु पराशर जी को हमारा साक्षात नमन हो, हे नौनाथ सिद्धो भैरव सभी को मेरा आदेश हो, सिद्ध योगियों को मेरा आदेश हो, माता जौल्फा माता को हमारा आदेश हो, जगत माता को हमारा आदेश हो, आदि शक्ति को हमारा आदेश हो, देवादिनी को मेरा आदेश हो, हे माता रानी हो सदा रक्षा करना, हे नौ दुर्गाओं सदा रक्षा करना, हे माता रानी हो अपना अपना मेरे से कोई गलती वगैरह कुछ भी अगर कथा में हो तो मुझे माफ़ करना, हे नागेल देवता यदि मुझसे कोई गलती में टूटी या कुछ भी रह गया हो तो मुझे क्षमा करना। तो दोस्तों मैं यह मेरी कथा आई है दोस्तों, यह ये हमारे टेहरी गढ़वाल में दलीप जी हैं, उनके माध्यम से मुझे ये कथा मिली है और उनने के माध्यम से मेरे पर कथा आई भी है। और दोस्तों मैं यह कथा पूरा प्रयास करूँगा सुनाने से पहले, दोस्तों मैं उन सभी सब्सक्राइबरों का धन्यवाद करना चाहता हूँ जो मेरे इस व्हाट्सएप में देश विदेश से जुड़ के और मेरे को दोस्तों हर तमाम सपोर्ट कर रहे हैं, और क्या नाम कहते हैं जो मेरे भंडार है और जो इसके लिए मैंने पहल करी है तो उसमें मेरे से चर्चा कर रहे हैं लगातार सभी मेरे से व्हाट्सएप के माध्यम से दोस्तों, और मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। और जो मेरे से नहीं भी कर रहे हैं कमेंट वगैरह, तो दोस्तों मैं सबको आदर निमंत्रण करना चाहता हूँ कि जो भी मेरी यूट्यूब टीम है वो आए 17 तारीख को और भंडारे में दोस्तों, आप आज से एक एक दिन महादेव के शरण के लिए जाता है हमारा दोस्तों, महादेव का त्यौहार आने वाला है और सभी भक्त लोग कांवर की तैयारी करने लगे हैं दोस्तों, सभी हर कोई अपने अपने क्षेत्र से टीम बना के टोली बना के हर कोई जा रहा है दोस्तों। जैसे हम कोई नौकरी वाले अगर देश विदेश में जैसे नौकरी करते हैं, हम नहीं आ सकते, हमें छुट्टी नहीं मिल सकती, तो हम उनकी सेवा भाव कर सकते हैं दोस्तों। हमारे आप देख सकते हो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने भी बहुत तगड़ा उनका सपोर्ट रहता है, हर हमेशा कांवड़ियों के लिए अपना सपोर्ट और वो ये रखते हैं कांवड़ियों के लिए हर तरीके से। वैसे दोस्तों हमें भी अगर टाइम निकाल के अगर हम नहीं लेकर आ पा रहे तो दोस्तों हमें उनकी सेवा भाव चाहे किसी से दोस्तों, ये नहीं कि आप मुझे सपोर्ट करो, अगर देखो आप मुझे सपोर्ट कोई भी अगर कांवड़ी वगैरह कोई भी आ रहा है तो आप अपने तरीके से दोस्तों जहाँ जहाँ आप जॉब कर रहे हो दोस्तों, जैसे आप उनको फल लेके या कुछ भी लेके करते हैं दोस्तों सेवा कांवड़ियों की, तो दोस्तों आप लोग भी हमारे धर्म को बढ़ाने के लिए आस्था करने के लिए अगर कोई जिस व्यक्ति के पास इनके पास कोई ऐसा समर्थन नहीं है तो दोस्तों आप मेरे साथ आ सकते हैं। और दोस्तों
धन से नहीं भी करोगे तो दोस्तों दिल से और मन से मेरे साथ आइए ना दोस्तों, और वहाँ पर एक दिन की सेवा भाव अपनी छुट्टी निकाल के दोस्तों, एक दिन से कुछ नहीं होता है। तो आप हमारे उत्तराखंड के देवी देवी देवताओं के से मैं भंडारा करता हूँ वहाँ पर, तो आप लोग के आग्रह से जब इष्ट देवता वगैरह जो भी हैं सभी लोग आए वहाँ पर अपना इस कार्यक्रम को सफल बनाए मेरे। तो दोस्तों मैं कथा में आता हूँ, दोस्तों नगेला देवता की कथा में आता हूँ। तो दोस्तों जो नगेला देवता है वो हमारे उत्तराखंड के परचुनी देवता हैं और गढ़वाल के घर घर में स्थित हैं। कोई ऐसा नहीं है कि जिस घर में नहीं हो, मतलब 80% घर में। और दोस्तों यह जो देवता गए हैं ये कुमाऊँ से ही गए हैं। और दोस्तों मैं आपको गुरुजी की वाइड भी सुनाऊंगा दोस्तों, मैंने किसी और चैनल से उठाया है वीडियो, तो वो वाइड भी आपको दिखा दूंगा, मैंने वहाँ से फिर करा। लेकिन आप मैंने जो ये किसी और चैनल से उठाया ये केवल देवते के प्रचार और सरसार के लिए उठाया, कोई मतलब चैनल वाला इसे वो मत समझे कि यार हमारा ये कर दिया इनने। तो दोस्तों मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, केवल ये मेरा जो चैनल मैं अपने चैनल पर इनकी वाइड डाल रहा हूँ के लिए, प्रचार के लिए डाल रहा हूँ दोस्तों मैं। और दोस्तों नगेला देवता जो है गढ़वाल साइड के बड़े प्रसिद्ध, और इनके जो पर्चे लगते हैं बड़े परचुनी पर्चे लगते हैं। तो दोस्तों मैं कथा स्टार्ट करने से पहले जो नाग देवता हैं, जो उनकी कथा स्टार्ट करने से पहले जो इनकी लड़ाई है, खानदानी लड़ाई है, नाग हो गया, गरुड़ हो गया, और इनकी जो खानदानी लड़ाई है तो मैं उसमें प्रकाश डालूँगा। और खानदानी लड़ाई होने के बाद दोस्तों उत्तराखंड में कौन सी पीढ़ी में मतलब ये देवता आए इधर को, मैं वो भी डालूंगा, कौन सी पीढ़ी में उत्तराखंड में कैसा आया नाग देवता, तो मैं वो भी आप इसमें प्रकाश डालूंगा। पहले उत्तराखंड में कैसा आया दोस्तों, फिर प्रकाश, फिर गढ़वाल में कैसे गए दोस्तों, फिर मैं वो प्रकाश डालूंगा। और यदि कहीं पर मेरी से कहानी में कहीं पर टूटी वगैरह कहीं कुछ रह जाएगा दोस्तों, तो दोस्तों जैसे कोई गढ़वाल से या कहीं से भी कोई मेरा भाई जी अगर कहीं देखना था तो बता देता कि भाई जी में कमी रह गया, अच्छा तो भाई जी ऐसा है कहीं से भी कोई कमी या टूटी रह गई होगी मुझसे, तो आप लोग मेरे व्हाट्सअप पर या उसके फेसबुक पर मेरे को बता सकते हैं, तो मैं वो कहानी में सुधार करके बढ़िया तरीके से दोबारा से हम एडिट करके डालेंगे। दोस्तों पहले सभी लोग एक बार दिल से बोलेंगे नगेल देवता की जय। और दोस्तों एक बार और मैं कहना चाहूँगा दोस्तों कहानी स्टार्ट करने से पहले, दोस्तों जब कहानी चाहे जिस किसी के भी घर के इष्ट नगेला देवता है दोस्तों, कुछ और पूछे ना पूछे जय हो नगेला देवता की जरूर लिख के डाल देना, क्योंकि दोस्तों ये होता है कि हाँ यार ये कहानी सही है, क्योंकि इससे पता लग जाता है कि हाँ यार देवता की हमारे ये देवता है और ये है। नहीं तो दोस्तों ऐसा लगता है कि यार जैसे अभी मैंने धामदेव जी की कहानी डाली थी तो उसमें काफ़ी सब्सक्राइबरों ने जय हो हमारे इष्ट देवता, हमारे इष्ट देवता है करके डाला था दोस्तों, मैं दिखा रहा हूँ। तो दोस्तों काफ़ी अच्छा लगता है ऐसे में कि यार हाँ यार अपने इष्ट देवता के लिए वो है। और दोस्तों एक चीज़ और, हमारे बच्चों के या कहीं कहीं भी सबके चैनल में आप देख सकते हो नकारात्मक जितने हैं अंधविश्वासी चैनल वाले सारे सब्सक्राइबर हैं। और दोस्तों जो हमारे धर्म को आगे बढ़ाएं, और दोस्तों जो हमारे धर्म को, जो हमारे धर्म से और जो हमारे स्थानीय देवी देवताओं का प्रचार करें, तो एक चैनल ऐसा होना चाहिए दोस्तों कब किस वाणी में भगवान बैठ जाएं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ दोस्तों मेरा चैनल, किसी और का चैनल भी आप कर दो सब्सक्राइब करो बच्चों के उसमें कि यार ये देवता आप देखो दोस्तों, जागर आगर का तो उतनी जल्दी नहीं कर सकते, लेकिन कहानियों का आप कर सकते हो, कब किस देवता में किसका इंसान पड़ जाए और किस देवता में। दोस्तों अगर आप देखोगे हमारा इतिहास उठा के देखोगे ना, बहुत से बोलते हैं यार कि अभी तो बच्चा पैदा ही हो रहा है, अभी तो उसे जीने दो, तभी तो सांस लेगा, तभी तो आगे कुछ सीखेगा, कुछ पढ़ने दो, कुछ करने दो। दोस्तों आप ध्रुव तारा को जानते हो, ध्रुव तारा मात्र 5 साल की उम्र में इतना श्रेष्ठ बन गया था, सभी देवताओं से ऊपर है दोस्तों। आज जब किसी की शादी होती तो उसे ध्रुव तारा दिखाया जाता है दोस्तों। ऐसे बहुत सारे देवते हैं, भक्त प्रहलाद हो गया, जब इनके बचपन से संस्कार अच्छे पड़े, बचपन से इनको भगवान की दृष्टि पड़ी, भगवान की लगन लगी, तभी तो भगवान के प्रति इतने आकर्षण। और दोस्तों जो बाल हट होती है दोस्तों, बाल हट इतनी खतरनाक होती है, जिस किसी में बाल हट आ गए दोस्तों तो वो तो बालक वही होता है दोस्तों। इसलिए कह रहा हूँ भगवान को अगर पाने की जिद अगर बाल हट में आ जाती है दोस्तों, फिर उसे कोई नहीं रोक सकता। तो मेरा यही उद्देश्य है कि आप अपने बच्चों को या बच्चों के चैनल में, जैसे पढ़ाई के चैनल सब्सक्राइब करते हो दोस्तों, एक अच्छे चैनल का भी, जैसे आप हमारे चैनल का या किसी और का चैनल का, जिसका जो लगता है आपको उचित हो दोस्तों कमाओ गढ़वाल में, तो दोस्तों वो चैनल को दे सकते हैं। क्योंकि दोस्तों आप जागर हगर का नहीं करना चाहते हो तो कोई बात नहीं दोस्तों, आप ये कहानी, हम तो अपनी कहानी बताते हैं देवताओं की, तो दोस्तों ये पता होना चाहिए हमारे बच्चों को। और किस दोस्तों जो असली देवता होते हैं वो बचपन में ही अवतार रख लेते हैं बच्चों पर, और कभी किस जन्म में क्या 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 होता, क्या पुण्य हो उनका, तो वो उनको वहाँ मिल जाता है फल। और दोस्तों हमारा जो पहाड़ से जो प्लान हो रहे हैं लोग, और जो नहीं मानते थे दोस्तों, आज देखो ना दोस्तों, आज देखो हमारे उत्तराखंड में जो पूजा 50-50 साल से नहीं हो रही थी दोस्तों, अब हो रही है दोस्तों। 50-50 साल से पूजा हो रही थी, नहीं हो रही थी, और 50 साल से लोग प्लान करके लोग देश विदेश भाग रहे थे, अब आ रहे हैं दोस्तों लौट के हमारे उत्तराखंड में।
पूजा कराने आ रहे हैं, जो नहीं मानते थे दोस्तों, जो कहते थे ये अंधविश्वास है ये वो है, आज पूजा करने आ रहे हैं दोस्तों। वो किनके दम पर आ रहे हैं दोस्तों? देवताओं के दम पर, नाक रगड़ के दोस्तों आ रहे हैं कि हमारा देवता भला कर देगा कैसे भी करके। आज जो नहीं मानते थे वो नरसिंह को वो मान रहे हैं दोस्तों, जो नहीं मानते थे गोलू देवता को मान रहे हैं दोस्तों, जो नहीं मानते थे घड़ियाल देवता को मान रहे दोस्तों, जो नहीं मानते थे घड़ी देवता को मान रहे दोस्तों, जो नहीं मानते थे देवियों को, मैं किस किस के नाम लूँ दोस्तों, सबको मान रहे दोस्तों। आज क्यों मान रहे हैं दोस्तों? वो देवते की शक्ति है दोस्तों, नहीं तो पहाड़ को कोई देखने नहीं आता दोस्तों। लोग इतने देश विदेशों में रह रहे हैं, लेकिन आज वो पूजा करने 50-50 सालों में, और दोस्तों दिल खोल के अपनी भेंट दे रहे हैं, दिल खोल के वो कर रहे हैं, करो देवताओं का प्रोग्राम हम करेंगे। तो दोस्तों मेरा रिक्वेस्ट है दोस्तों, जो हमारे देश विदेश में जो अच्छी जगह पर हैं, जो अच्छी जगह पर कार्य कर रहे हैं, जो अच्छी जगह पर वो कर रहे हैं, तो दोस्तों वो चलो अपना नहीं आ सकते हैं, लेकिन दोस्तों अपने दिल से दोस्तों देवताओं के लिए आगे बढ़ के पहल करके करें दोस्तों। इससे उनको भी जो सपोर्ट मिलेगा जो घर में है दोस्तों, जो जिनने अपना जीवन देवता के उसमें लगाया है, और दोस्तों आप लोगों को भी उसमें बहुत सारा एक सुकून मिलेगा दिल से वहाँ। और दोस्तों भगवान देवता जो उत्तराखंड के सभी पर अपनी रक्षा और कृपा वगैरह बनाए रखें दोस्तों। हम लोग अगर बाहर निकल गए हैं घर से, तो हमारी पहली पहल यही होनी चाहिए कि अपने देवता का प्रचार और सरसार और उनका जहाँ जहाँ तक हो सके करें दोस्तों। पहले से ये होता था कि जैसे अपने देवताओं का लोग प्रचार करने के लिए, ये करने के लिए दोस्तों हर जगह जगह जाते थे। और दोस्तों बड़ी खुशी की बात मुझे इसमें यह लगी दोस्तों कि मेरे साथ युद्ध जुड़ रहा है, और मेरे पास आप दोस्तों यकीन नहीं मानोगे, सुबह से मेरे पास इतने मैसेज आए थे लोगों के कि सर हमें ये देवता के बारे में अच्छा लगा, आपकी ये कहानी अच्छी लगी, और ये कहानी सर मैं आपकी हर वीडियो देखता हूँ, मैंने हर वीडियो देख लिया आपकी। तो दोस्तों मेरे को बड़ी खुशी होती है दोस्तों आप लोगों की वजह से मेरा यूट्यूब चैनल है। हाँ दोस्तों मैंने एक चीज़ और कर दिया है, अपने YouTube चैनल से जो मैंने नंबर दे रखा था अपना दोस्तों, वो मैंने हटा दिया है दोस्तों, क्योंकि वहाँ पर से दोस्तों नंबर वो कटा के बहुत सारे ऐसा हो गया था दोस्तों, बहुत सारे लोगों को मेरे पास मैसेज आ गए इधर उधर से दोस्तों, दरअसल मैं उनको जानता भी नहीं था, अब उनने मेरा वीडियो भी नहीं देखा था। तो दोस्तों दरअसल वो और यूट्यूबरों ने मेरा नंबर उसमें डाल दिया था कि अगर आपको कुछ जानकारी लेनी है, कुछ भी लेना है, तो आप वो कर दो। मुझे उसका बात का कोई कतई बुरा नहीं लगा, आप लोगों ने मेरा नंबर दे दिया, वो दे दिया दोस्तों, लेकिन ये लगा कि अब जब मेरे को पता ही नहीं है, तो मेरे को यार उनका कौन सी वीडियो देखी, क्या देखी, मैं आश्चर्य में दोस्तों। मैंने कहा यार अब ये क्या होगा, तो फिर उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, मैंने उनको मैंने पूछा, फिर मैंने अपने क्योंकि दोस्तों जो मेरा सब्सक्राइबर है, जो मेरा सब्सक्राइबर है उसको मतलब वो मेरी वीडियो देख लेगा, तो उसको कहीं मतलब दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत ही नहीं है। जैसे आप कोई भी देवता के बारे में, किसी भी देवता के बारे में मैं डालता हूँ, तो पूरी डिटेल डालता हूँ। अब जैसे आप कतिरू को जो भी अगर कोई मेरा वीडियो देख लेगा, तो दोस्तों वो कतिरू की कहीं दूसरा वीडियो नहीं देखेगा, उन्हें पता है कि यहाँ ही सब कुछ मिल जाता है। और दोस्तों वो प्रश्न भी नहीं करेगा मुझसे, क्योंकि मेरे आप लोगों को तो पता है जो मुझसे जुड़े हुए सब्सक्राइबर हैं जो मेरे, वो मुझसे जो भी कमेंट करते हैं, जो भी करते हैं, उनका अगले वीडियो में उनका उत्तर मिल जाता है। तो उसमें कोई, क्योंकि आप दोस्तों मेरे डाल दी, तो इस वजह से मैंने कहा मुझे कोई उसका कोई बुरा नहीं है, आप लोग वो मत करना, दिल से मत लेना कि ऐसा करे करके, आप लोग मेरा नंबर कोई दिक्कत नहीं मेरे को उससे। लेकिन मैंने उनको मैंने सब्सक्राइब मैंने कहा उनको ये भी कहा कोई बात नहीं, मैं आपको संतुष्ट करा और वो करा, आज वो मुझसे जुड़ गए हैं, मैं उनका भी शुक्रगुजार करना चाहता हूँ। तो ऐसा कुछ नहीं, जिनके मन में कोई शंका है कुछ भी है, तो दोस्तों हम देखो मैं प्रयास कर सकता हूँ आपके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए, अपने देवता से वो करके और अपने इष्टों का आह्वान करके, भाई वही हैं उत्तर देने वाले, वही हैं प्रश्न देने वाले आपके सवालों का। हम क्या है, हम तो एक मिट्टी हैं, जब तक उनकी मर्जी नहीं होती पत्ता भी नहीं हिल सकता है, और जब तक वो नहीं हो सकते। और दोस्तों मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा, बहुत सारे लोग मुझे व्हाट्सअप में गुरु जी और ये और वो कह के संबोधित करते हैं, गलत बात है दोस्तों। मैं कोई बाबा नहीं हूँ, मैं कोई जोगी नहीं हूँ और जोगी लमाटी नहीं हूँ, सिर्फ आपका जैसा एक दोस्त हूँ मैं। अपना जीवन व्यापन मैं भी इधर उधर काम करके ही करता हूँ, और आप जैसा ही मैं एक आम आदमी हूँ, आप मुझे हेम नाम लेके संबोधित करें, इसीलिए मैंने अपने चैनल का नाम हेमचू पहाड़ी रखा है। तो दोस्तों आप लोग पहाड़ों की संस्कृति को आगे बढ़ाएंगे। तो दोस्तों मैं सीधा कहानी पर आता हूँ, इधर उधर की बातें ना करते हुए नगला देवता की कहानी पर आता हूँ दोस्तों। दरअसल यह बात सत्ययुग से उठाता हूँ मैं, सत्ययुग में हुए दक्ष प्रजापति, दक्ष प्रजापति की दो पुत्री हुई विनीता और कंद्रु। दोस्तों जो दक्ष प्रजापति की जो दो पुत्रियाँ हुई विनीता और कंद्रु, दक्ष प्रजापति की जो पुत्रियाँ थी इनकी शादी हुई थी, कश्यप ऋषि से हुई थी। कश्यप ऋषि बड़े तेजस्वी थे दोस्तों, जो जब जिस टाइम पर बोला जाता है मुनि पराशर में भी, बाद में बताऊंगा आपको दोस्तों ये कहानी पर आऊँ थोड़ा। तो दोस्तों जब इनकी दो शादियाँ हुई थी, शादी होने के बाद ये अपनी पत्नियों के सेवा भाव से काफ़ी प्रसन्न हुए अत्रि ऋषि। तो अत्रि ऋषि ने कहा आप मुझसे दोनों जने वर मांग लो। तो कद्रु ने कहा मुझे 1000 पुत्रों का बल दे दो, और वो युद्ध में बड़े पराक्रमी हो और बड़े साहसी हो और निडर हो, और जहाँ भी जाए उनसे लोग डरे, इतना मुझे वो दे दो वरदान। तो कश्यप ऋषि ने कहा ठीक है,
आपको मैं 1000 पुत्रों का वरदान देता हूँ, आपके जो पुत्र होंगे बड़े पराक्रमी होंगे और जहाँ भी जाएंगे लोग उनसे डर के मारे इधर उधर भागते रहेंगे और वो कभी भी किसी के सामने मतलब वो किसी से नहीं डरेंगे, निडर होंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है। अब विनीता से कहा, विनीता तुम भी वर मांग लो मुझसे, आप भी वर मांगो। तो विनीता ने कहा मुझे दो पुत्रों का वर दो और मेरे दो पुत्र इतने पराक्रमी होंगे कि कंदुरा के सारे बच्चों को मतलब सारे बच्चों से मेरे दो पुत्र पराक्रमी होंगे, सबसे बलवान होंगे मेरे पुत्र। तो उन्होंने कहा ठीक है आप मेरे से वरदान ले लो। तथास्त्र कह के वह मुनिवर के चल के कहाँ जंगलों में, उन्होंने जंगलों में अपनी तपस्या करी कई वर्षों तक। जब उन्हें तपस्या में लीन होंगे तो समय बीतता रहा। तो 500 वर्ष बाद क्या हुआ, कंदुरा ने 1000 अंडे दे दिए और वहाँ विनीता ने दो अंडे दिए। तो जो 500 वर्ष बीते, 500 वर्ष बीतने के बाद जो कुंदुरा ने जो अंडे देते तो उससे 1000 सर्प पैदा हुए। 1000 जब सर्प पैदा हुए तो दोस्तों वह सर्प इतने पराक्रमी थे, इतने वो थे, तो दोस्तों वह बड़े पराक्रमी थे। और दोस्तों यह कहानी अगर आप मेरे अच्छे विस्तार से देखना चाहते हो तो मैंने ये जो निरंकार देवता है उनके उसमें दी हुई है, विनीता और कंदुरा की कहानी मैंने दी हुई है, आप वहाँ से जाके देख सकते हो। शॉर्ट में जरा बताऊँगा आपको, लेकिन वो आप लोगों को थोड़ा शॉर्ट में बता दूँगा इसमें केवल। तो दोस्तों विनीता और कंदुरा के दो बच्चे हुए, तो और वहाँ गरुड़ों के क्या हुए, जो वहाँ विनीता के बच्चे दो अंडे दिए थे उनसे कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ। तो विनीता बड़े आक्रोश में आ गए, उन्होंने कहा मेरे अभी तो बच्चे पैदा नहीं हुए। उन्होंने क्या करा, एक अंडा फोड़ा तो उसमें क्या हुआ, बच्चा पूरा नहीं बना था उस वक्त। तो बच्चा पूरा नहीं बना था तो उन्होंने क्या करा, वो अंडे को जो बच्चा निकला बाहर को, तो बच्चे ने क्या करा अपनी माता को श्राप दे दिया। उन्होंने, माता मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, जिस ईर्ष्या के कारण तुमने मेरे को पूरा भी नहीं होने दिया और ना मेरे को अभी वो पूरा भी नहीं निकला था बाहर में, तो मैं इसलिए तुम्हें श्राप देता हूँ, जिस स्त्री की ईर्ष्या के कारण तुमने मुझे जल से फोड़ा है तुम वह स्त्री के वहाँ 500 सालों तक कैद बन के रहोगे, और यदि तुमने लोभ और लालच में अगर दूसरा अंडा भी फोड़ दिया तो मैं तुम्हें और भयंकर श्राप दूंगा फिर। और बच्चा इतना कह के वहाँ से निकलता है और अपनी माता को दासित्व बनने का श्राप देके वह निकल जाता है वहाँ पर। तो दोस्तों फिर एक दिन क्या होता है, ये दोनों जने आकाश मार्ग से अश्व का घोड़ा निकल रहा था, वो अश्व क्या होता है वो समुद्र मंथन के टाइम से निकला था दोस्तों। और ये कहानी आप दोस्तों गरुड़ पुराण में और इनमें देख सकते हो दोस्तों, ये कहानी का तात्पर्य है। तो दोस्तों वो वहाँ पर निकल जाते हैं। तो उसके बाद क्या होता है, जब इधर वो रह जाते हैं तो दोस्तों फिर विनीता क्या करती है, विनीता कुंदरा ये घोड़े को देख के शर्त लगाते हैं, वो कहती काला घोड़ा हो, कहती सफेद घोड़ा हो, कहती काला घोड़ा हो, कहती सफेद घोड़ा है। तो इनमें शर्त लगाती है, ये क्या करते हैं अपने पुत्रों से जाके कहती है, मैंने शर्त वाली कुंदरा कहती है मैंने शर्त लगा दिया, मेरा मान सम्मान की बात होगी, तुम जाओ 100 के 100 पुत्र, अगर तुम नहीं जाओगे तो मैं तुम्हें जला दूंगी 100 के 100। तो वो सर्प क्या होते हैं, डर जाते हैं, तो वो क्या करते हैं घोड़े के पूंछ को लपेट जाके और वो करके सफेद घोड़े को काला घोड़ा बना देते हैं इस टाइप से। तो दोस्तों जब उनकी माता देखती है तो उनकी माता इनका दासत्व प्राप्त कर लेती है कि मेरे को मेरे से गलती हो गई है, इनकी दास बन जाती है और के कारागार में बंदी रहती माता। तो दोस्तों जब वहां क्या होते हैं, गरुड़ जी पैदा हो जाते हैं, वो अंडे में अंडा फूटता है दूसरा वाला, तो उसमें से गरुड़ जी पैदा हो जाते हैं। जब गरुड़ जी पैदा होते हैं, गरुड़ जी बड़े पराक्रमी और बड़े ताकतवर बड़े शक्तिशाली वो थे दोस्तों। तो दोस्तों जब गरुड़ जी पैदा हुए तो अब बड़े हुए तो इनको किसी ने बताया कि तुम्हारी माता अब नागों के साथ ही खेलते थे, नागों के साथ ही बैठते थे। तो दोस्तों गरुड़ जी का काफ़ी वो होता था मान सम्मान। तो दोस्तों ऐसे धीरे 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 बड़ा हुआ तो इनको किसी ने बताया कि तुम्हारी माता उनके दासत्व में बंदी है, तुम उन्हें छुड़ाओ। और जाते हैं स्वर्ग में जाते हैं और कहते हैं मेरे को अपनी माता छुड़ानी है, कैसे होगा। तो दोस्तों वो उनसे बोलते हैं, कोई बोलते हैं कि वहाँ पर अम्र नागों के पास जाते हैं, नागों से कहते हैं कि मेरे को वो छुड़ानी है, मेरे को अपनी माता छुड़ानी है, तुम वो करो, तो मेरे को माता छोड़ने का शर्त बताओ। तो इनकी माता कंदुरा कहती है कि तुम स्वर्ग लोक से अमृत का घड़ा लेकर आ जाओ, तब जाके मैं तुम्हारी माता को दासत्व से मुक्त कर दूंगी। तो जैसे वो सुनते हैं नाग देवता, जैसे सुनते हैं वो कहते हैं चन्न, जैसे गरुड़ देवता सुनते हैं तो वहाँ आक्रम स्वर्गलोक में चले जाते हैं। स्वर्गलोक में चले जाते हैं तो वह बड़े तेजस्वी थे दोस्तों, उनकी पंख वगैरह इतने तेजस्वी थे, बड़े पराक्रमी थे गरुड़, क्योंकि दोस्तों क्योंकि वो वाले पुत्र नहीं थे, वरदानी पुत्र थे, स्वर्ग वाले पुत्र थे। तो दोस्तों इनने आक्रमण वहाँ कर दिया, तो इंद्र ने कहा यार ये कौन आ गया बड़ा भयंकर, इतना तेजस्वी कौन आ गया। तो दोस्तों ये जाते हैं, सभी देवता लोग उनके साथ युद्ध करते हैं। तो गरुड़ क्या करते हैं, सभी देवता लोगों को हरा देते हैं युद्ध में। जब हरा देते हैं और सबको क्या कर देते हैं, मूर्छित कर देते हैं। और मूर्छित कर देते हैं दोस्तों, ये जहाँ पर अमृत रखा होता है तो ये अमृत के सामने पहुँच जाते हैं। जब अमृत के सामने जब पहुँच जाते हैं तो अमृत के सामने पहुँचने पर क्या करा इनने, जैसे अमृत के सामने पहुँच जाते हैं तो दोस्तों अमृत के सामने पहुँच के ये अमृत का घड़ा उठाते आ जाते हैं। तो इतने में इनको रास्ते में विष्णु भगवान मिलते हैं। विष्णु भगवान कहते हैं इतना प्रभावशाली, इतना वो तेजस्वी मैंने आज तक नहीं देखा, जिसको अपने के लिए लालसा नहीं है कि अमृत मैं पे लूँ, इसको है कि मैं अपनी माता को छुड़ाऊँ। तो ऐसा प्रेम भाव देख के गरुड़ वहाँ पर आए थे। तो भगवान विष्णु कहते हैं मैं तुम्हें वरदान देना चाहता हूँ, तुम कोई भी मुझसे वरदान मांग लो।
तो गरुड़देव कहते हैं, हे प्रभु, मुझे अगर आप वरदान ही देना चाहते हो तो मेरे को यह वरदान दे दीजिए कि मैं बिगर अमृत के अमर रहूँ, मेरे को अमृत पीने की जरूरत ना पड़े और मैं अजय अमर हो जाऊँ। तो भगवान विष्णु ने कहा तथास्त्र, और क्या मुझे वरदान चाहिए? उन्होंने कहा बस मेरे को प्रभु यही चाहिए, और उन्होंने कहा मेरी माता जो दास से है दास से मुक्त हो जाए। उन्होंने कहा ठीक है। तो उन्होंने कहा भगवान विष्णु से, इन्होंने कहा मैं भी तुम्हें वर देना चाहता हूँ, तुम क्या वर देना चाहते हो? तो भगवान विष्णु ने कहा अगर तुम मुझे वर देना चाहते हो तो तुम मेरी सवारी बन जाओ। तो इन्होंने कहा ठीक है प्रभु, मैं आपकी सवारी बन जाता हूँ और मुझे एक वरदान और दे दो। फिर उन्होंने कहा क्या वरदान चाहिए? उन्होंने कहा जिनने मेरी माता को बंदी बनाया, जिनने मेरी माता को कैद करा, तो ये मेरा आहार बन जाए, प्रमुख और स्वादिष्ट आहार मेरा यही बने। तो भगवान विष्णु ने कहा तथास्त्र। तो वहाँ से यह क्या करते हैं, इतने में इंद्र होश में आया था। तो इंद्र जी जब इंद्र जी होश में आए थे सभी देवताओं के, तो वो क्या करते हैं अपना वज्र फेंक के मार देते हैं गरुड़ों पर। जैसे ही वज्र फेंक के गरुड़ों पर मारते हैं तो वो इनके क्या लगता है, पंख में लगता है, और वो वज्र एक चूरा क्षति भी नहीं पहुँचाता है। तब गरुड़ कहते हैं मैं अपने पंख का एक टुकड़ा छोड़ के जा रहा हूँ, और ऐसे ऐसे तो मेरे पर मतलब वज्र कितने, मेरा वज्र शरीर का मेरा वज्र पूरा वो है, तो ऐसे तो मेरे कितने वो कर सकते हैं। तो दोस्तों यह गरुड़ कहता है कि मेरा यह वज्र कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, आप देवर्षि आप खाली परेशान हो रहो। तो देवराज इंद्र कहते हैं हम दोनों, अगर हम एक ही सकारात्मक पहल के साथ चल सकते हैं, हम दोनों दोस्त बन सकते हैं, और आप ये किस चीज़ के ले आ रहे हो? उन्होंने कहा ये मैं नागों को देना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा अगर धरती पर नाग अमर हो गए तो आप ये देखो ना, फिर क्या नाम कहते हैं, पूरा हाहाकार मच जाएगा पूरी धरती में। तो हाँ ये तो बात सही है। तो उन्होंने कहा क्या कर सकते हैं? उन्होंने कहा मेरे को अपनी माता को छुड़ाना है। तो उन्होंने कहा तुम इसे करना, एक शीशे में रखना, और शीशे में रखने के बाद इसे तुम वहाँ पर उनसे कहना नहाओ धो, और उसके बाद क्या करना है, मैं आऊँगा तो मैं अमृत का घड़ा ले आऊँगा, तुम्हारा वचन भी पूरा हो जाएगा और ये मेरी माता भी छूट जाएंगी। उन्होंने कहा ठीक है, ये बात सही है। तो दोस्तों वो गरुड़ क्या होते हैं, जो गरुड़ वहाँ ले आके शीशे में कहता है यह इसे अमृत पर कोई नहीं लगेगा, मैं शीशे में रख रहा हूँ, और जब तक तुम नहा धो के आओ और मेरी माता को दास से मुक्त करो। तो दोस्तों यह सब जितने भी थे नाग वगैरह सब नहाने चले आते हैं, माता इनकी विनीता वगैरह। इतने में वहाँ पर देवराज इंद्र आते हैं और वो घड़े को वहाँ से अमृत के घड़े को ले जाते हैं। तो दोस्तों जब यह नाग सारे आते हैं, कहते अरे हमारा तो अमृत कहाँ गया, हमारा अमृत कहाँ गया, हमारा अमृत कहाँ गया, तो यह अपनी क्या करते हैं, जीभ मारते हैं उसमें, अपनी जीभ मारते हैं और कहते हैं यहाँ कुछ टुकड़े उसमें रखे रहते हैं अमृत के, कुछ और रखे रहते हैं। तो दोस्तों वह जो अमृत की कुछ बूंदें पड़ती हैं नागों के, अधिकतर क्या होता है, सबका तो मुँह कट जाता है, सांप का दो मुँह हो जाते हैं दोस्तों। उस दिन से सांप की बातों पर कोई विश्वास नहीं करता है। ठीक हो गया दोस्तों, उस दिन के बाद क्या नाम कहते हैं, दो मुँह कटे नाग, सांप की जीभ के हमेशा दो मुँह रहते हैं जब से देखना। तो दोस्तों उसके बाद क्या होता है, यह कहानी में सब दोस्तों, फिर ये जिन जिनके मुँह में थोड़ा बहुत अमृत लगा वहाँ पर से कुछ बूंदे दोस्तों, वो अमर हो गए नागों में। ठीक है, और वहाँ से इनको इच्छा मृत्यु वगैरह जो भी बने, ये देवता भी बने नाग वहाँ से। तो वहाँ से ये देवता बनने की इनकी परिक्रमा स्टार्ट हो गई। कोई फिर शिव जी के पास गए, कोई कहाँ से गए दोस्तों, अब इनके बाद नाग बन गए। अब दोस्तों वहाँ से इनकी लीला प्रारंभ होती है नागों की, और दोस्तों यह बड़े पराक्रमी रहे नाग। फिर वहाँ से इनने अपनी माता का वचन करा, वचन करने के बाद दोस्तों इनको भी माता ने भी इनको कई वरदान दिए, आश्वासित करा कि तुम्हारी पूजा होगी आज के बाद, और जिस घर में तुम रहोगे वहाँ सुख शांति और तुम्हारा दूध होगा, ये होगा, इनको सारे वरदानों से संशोधित करा। उन्होंने कहा तुम सभी देवताओं के साथ रहोगे, और तुम्हें हर देवता के जहाँ भी जाएगा तुमसे कोई देवता आगे नहीं आएगा, और जहाँ तुम्हारा आगमन हो जाएगा तुमसे लोग वो करेंगे प्रेम भाव। तो दोस्तों वहाँ से क्या हुआ, इनको वरदान मिले, संशोधित करा सभी देवता लोगों ने, और भगवान शिव जी ने भी फिर इनको अपने मतलब बुलाया है, सब चीज़ में धारण वगैरह करा। तो दोस्तों अब मैं आता हूँ उत्तराखंड में कैसे आई, उत्तराखंड में भी अब दोस्तों कहीं ना कहीं जैसे हर कोई देवता आया है उत्तराखंड में, तो दोस्तों कहीं ना कहीं से तो कोई ना कोई चीज़ शुरू हुई होगी ना दोस्तों। तो दोस्तों वैसे अब उत्तराखंड में आते हैं। दोस्तों उत्तराखंड में क्या हुआ, जैसे पहले इसे दो सबसे पहले थे दो, मानस खंड और केदारखंड, जो एक कुमाऊं बना एक गढ़वाल बना बाद में। सबसे पहला जो वंश आया वो अमोदिक वंश आया, जो बोलते हैं ना सबसे पहला जो वंश आया अमोदिक वंश आया, और जिसका जो सबसे शक्तिशाली राजा था वो था अमोदी राजा। दोस्तों वो बड़ा पराक्रमी था, और दोस्तों काफ़ी साल तक इन्होंने राज कराया यहाँ पर उत्तराखंड पे। तो दोस्तों अमोदिक राजा के बाद क्या आया दोस्तों, अमोदिक राजा के बाद आया दोस्तों शंख वंश। दोस्तों उस टाइम पर जितने भी ये सूर्य मंदिर बनाए ना उत्तराखंड में, जो सूर्य के मंदिरों की आज बोलते हैं हम इनने बनाए कतरू ने बनाए, लेकिन नहीं दोस्तों ये जितने भी मंदिर बनाए सूर्य मंदिर दोस्तों ये शंख वंश के राजाओं ने बनाए। दोस्तों जितने भी ये सूर्य मंदिर बनाए सारे शंख के राजाओं ने बनाए, उस पर शंख नाम का कैलेंडर भी चलाया, शंख नाम के कैलेंडर भी चलाया दोस्तों, कई सारी चीज़ें चली थी दोस्तों उस टाइम पर उत्तराखंड पे। फिर आया दोस्तों कुषाण वंश, कुषाण वंश जब आया दोस्तों इनने भी काफ़ी कम समय तक राज करा। कुषाण वंश के बाद आया दोस्तों नाग वंश आया। अब दोस्तों जब यहाँ नाग वंश के जब लोग आए दोस्तों, तो उनके कुल इष्ट कौन थे, नाग देवता थे।
तो दोस्तों उनके कुलिष्ठ नाग देवता होने के कारण जैसे उनने कुमाऊं क्षेत्र में इधर अपना राज वगैरह करा, तो दोस्तों इनके मंदिर स्थापित करे कई जगहों पर और इनने काफ़ी पूजा पाठ वगैरह इनकी नागवंश में काफ़ी पूजा पाठ विधि विधान वगैरह इनकी जो बना के जा रखे थे दोस्तों कुमाऊं साइड में, तो दोस्तों वो काफ़ी प्रचलित रहे नागवंश। तो दोस्तों वह क्या होता उस टाइम पर क्या हुआ दोस्तों, काफ़ी लंबा इनका प्रयास वगैरह चला दोस्तों। मैं ये आपको ऐसे नहीं मनगढ़ंत सुना रहा दोस्तों, आप उत्तराखंड का इतिहास उठा के देखना, ये आपको मिल जाएगा कौन सा वंश कब आया। तो दोस्तों उसी वंश में आए थे ये नागेल देवता। तो दोस्तों जब यहाँ वंश में आए तो दोस्तों इनकी जो पूजा का जब यहाँ पर इनका काफ़ी मंदिर वगैरह होते थे, तो दोस्तों अब मैं आया था इनकी कुमाऊं से गढ़वाल में कैसे गए नागेंद्र देवता। अभी तक तो दोस्तों मैंने बताया कि उत्तराखंड में कैसे आए, अब मैं बताऊंगा ये कुमाऊं से गढ़वाल में कैसे गए दोस्तों और क्यों इतने परचुनी देवता बने दोस्तों। फिर ये सारी लीला का कथा का मैं वर्णन अब यहाँ से करता हूँ दोस्तों। दोस्तों मैं कोई भी चीज़ सुनाता हूँ तो सटीक, मतलब आपको कहीं और चीज़ कुछ पूछने की जरूरत ना पड़े, पहले ही मैं अपने वीडियो में बोल देता हूँ। जो मेरा वीडियो देख लेगा तो मैं आपको पूरा इसी वीडियो में बता देता हूँ दोस्तों, पूरा क्लियर कि मैंने आपको बता दिया कहाँ से इनकी उत्पत्ति हुई, फिर ये उत्तराखंड में कैसे आए। अब मैं दोस्तों गढ़वाल वालों को, जैसे अपने गढ़वाल के जो भाई लोग हैं मैं उनको बताऊंगा कि गढ़वाल में कैसे क्या देवता हो दोस्तों। गढ़वाल में गए तो जैसे इनको नगेला बोल दिया है ना, नगेला देवता, कहीं इनको नाग देवता बोल दिया, कहीं शेषनाग बोल दिया, कहीं क्या बोल दिया, तो इस वजह से इनके नाम जगह जगह पर अलग अलग तरीके से लिए जाते हैं। तो उसमें कोई शंका और कोई वो मत करना आप लोग, ठीक है दोस्तों। दोस्तों यह बात क्या है, बहुत पुराने टाइम पर की मैंने बताया जिस टाइम पर नागवंश हुआ करता था उस टाइम पर की बात है। तो उत्तराखंड में उस टाइम पर काफ़ी प्रचलित में इनकी पूजा विधि विधान आदिवासी वगैरह जो लोग रहते थे, तो वह क्या करते थे अपना अपना कबीला लेके करते थे और अपने अपने कबीला में एक इष्ट देवता बना देते थे। जैसे कई जगहों पर काली माता को इष्ट देवता बना दिया, कई जगहों पर महादेव को अपना इष्ट देवता बना दिया, कई जगहों पर नगेला देवता को बना दिया, कई जगहों पर मतलब अपनी रक्षा के लिए जैसे एड़ी देवता को बना दिया, कई जगह मतलब क्षेत्रवाइज जैसे होते थे राजपाट वैसे इनका वो होता था। तो दोस्तों यह क्या हुए नाग देवता हुए नगेला देवता। तो दोस्तों यह उस टाइम पर की बात है, गढ़वाल में क्या होता था इस टाइम पर काफ़ी नमक वगैरह और दोस्तों उस टाइम पर कुछ ऐसा चीज़ों को क्या होता था अर्थव्यवस्था जो हमारे देश की और कुमाऊं की गढ़वाल की चलती थी तो आदान प्रदान से चलती थी कि यार उस टाइम पर बोला करते थे यार तुम हमारे राज्य से ये ले जाओ और हम तुम्हारे राज्य से ये ले जाएंगे। और गढ़वाल में और कुमाऊं में दोस्तों शुरू से ही भाईचारा रहा है, भले लड़ाई भी रही राजाओं में लेकिन व्यक्ति में विशेष में ये होता था भाईचारा रहता था। आज भी उनकी लड़कियां वहां भी आई जाती हैं और इधर की लड़कियां उधर भी आई जाती हैं, तो उनका बीच में भाईचारा एक लंबे समय से चलता रहता है दोस्तों। और जिनकी लड़ाई भी चलती है किन्हीं की लड़ाई भी चलती है दोस्तों। तो दोस्तों क्या हुआ यह कहानी इनकी चली उस टाइम पर क्या होता था गढ़वाल साइड में नमक नहीं हुआ करता था। तो दोस्तों जब नमक नहीं हुआ करता था गढ़वाल में तो उस टाइम पर वहाँ के लोग क्या करते थे, जैसे कुछ चीज़ें कुमाऊँ से लेके आते थे कुमाऊँ वाले और कुछ चीज़ें गढ़वाल वाले लेके आते थे। तो दोस्तों क्या हुआ गढ़वाल वाले अपनी पूरी एक टोली लेके आते थे, 6 महीने में या साल भर में आते थे, तो अपने अपने शहरों से नमक लेके जाते थे अपने मतलब साल भर का या 1 महीने का, तो पैदल ही मार्ग से आते थे उस टाइम पर, सड़क वगैरह कोई ऐसे यातायात के साधन नहीं हुआ करते थे दोस्तों। तो दोस्तों जब यह गढ़वाल से कुमाऊँ में आए अपने कुमाऊँ में अपना रहरा बिसरा करा, रहरा बिसरा करने के बाद दोस्तों यह कहाँ पहुँच गए दोस्तों कुमाऊँ में पहुँचे। कुमाऊँ में इन्हें वहाँ से राजा के वहाँ से नमक वगैरह लिया, नमक वमक लेने के बाद दोस्तों वहाँ पर एक मंदिर था देवता का। तो दोस्तों यह वहाँ पर बैठे सब लोग, तो वो नगेला देवता का मंदिर था वहाँ पर। तो दोस्तों वहाँ से क्या हुआ इनके साथ इनकी जो नून की कटोरी ले जा रहे थे, तो दोस्तों उसमें क्या चले गए नाग देवता चले गए। तो दोस्तों जब ये नाग देवता चलते रहे रास्ते में, तो रास्ते में क्या हुआ एक जगह पर बैठे यहाँ, तो दोस्तों यह एक जगह पर नहीं कई स्थानों पर चलते रहे दोस्तों इनके साथ साथ। अब दोस्तों जो साधारण नाग है और जो व्यक्ति का साधारण नाग वगैरह रहते हैं दोस्तों, वह नमक के साथ नहीं रह सकते। नमक एक ऐसी चीज़ है दोस्तों, वह उसमें कोई भी रहेगा तो नमक उसको गला देता है। अगर इंसान भी अगर 4 दिन तक उंगली अपने नमक में डालेगा दोस्तों, तो वह पसीने से झड़ा के उसकी उंगली गलाने की क्षमता रखता है नमक। तो दोस्तों जैसे कोई चीज़ मर भी जाती कुछ भी होता तो उसमें गलाने के लिए नमक डालते हैं, कोई सब्ज़ी नहीं गलती है तो दोस्तों नमक गलाता है, कुछ भी होता तो दोस्तों नमक गला। तो यह अगर साधारण सांप होते तो दोस्तों वह उसमें नाग नूर की कोटरी में नहीं रह पाते, तो दोस्तों वह नमक की कोटरी में रहेगी। तो दोस्तों आप जैसे गुरु देवता को देखो जब इनको मारा था मारने के लिए वो कर रहा था, तो दोस्तों इनको नमक के उसमें डाल दिया है ढेर में, तो क्योंकि नमक बहुत जल्दी होता है गलाने के लिए प्रभावशाली। तो दोस्तों यह नाग देवता जब उसकी उनकी नमक की टोकरी में बैठे, तो दोस्तों ये वहाँ से रास्ता लगे कुमाऊँ से, तो कुमाऊँ से रास्ता लगे 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 कहाँ पहुँचे अपने गढ़वाल साइड में पहुँचे। तो दोस्तों सबसे पहले ये कहाँ पहुँचे जैसे दोस्तों काली कुमाऊँनी पहुँचे,
काली कुमाऊनी में इसने विश्राम इन लोगों ने विश्राम वगैरह करा, एक टोली बन गई थी। तो दोस्तों जब वहाँ इनको पता लगा, काली कुमाऊनी पे बैठे तब इनको पता लगा कि यहाँ पर इनके साथ हमारे साथ एक नाग आ गया, तो पहले तो डरे, काफ़ी डरे। भयभीत दोस्तों होता ही है कि यार इतना बड़ा जम कौन आएगा इस टाइप से डरे। तो डरने के बाद दोस्तों जब इनके मन में डर आ गया तो लग रहा है अब क्या होगा, अब तो कुछ नहीं हो सकता ये वो करके, तो बोला था उस टाइम पर अपने स्वरूप में आए तो उन्होंने इनको दर्शन दिए। उन्होंने कहा मेरे को जहाँ जहाँ आप विश्राम करोगे तो मेरा मंदिर छापते हुए जाना और मैं वहाँ रक्षा करूँगा और वहाँ का देवता बन जाऊँगा। तो दोस्तों यह फिर क्या हुआ, जैसे कालीनगर पहुँचे, कालीनगर के बाद दोस्तों काली कुमाऊँ से जब ये रास्ता लगे श्रीनगर में पहुँचे दोस्तों, तो वहाँ पर जब विश्राम करा इनने, वहाँ पर नगीला देवता का फिर बैठाया, वहाँ पर नगीला देवता का मंदिर वगैरह इनने बनाया वहाँ पर, और वहाँ पर नाग देवता की पूजा वगैरह करी दोस्तों। फिर वहाँ के स्थानीय लोगों को बताया यह आपकी रक्षा करेंगे, ये करेंगे, तो दोस्तों वहाँ पर इनका मंदिर रहा। फिर दोस्तों कर्णप्रयाग में पहुँचे, कर्णप्रयाग में भी दोस्तों इनका मंदिर वगैरह थापा, और कर्ण मंदिर थापने के बाद दोस्तों इनको वहाँ पर भी स्थान वगैरह दिया। तो दोस्तों कर्णप्रयाग के बाद दोस्तों फिर रुद्रप्रयाग में पहुँचे, रुद्रप्रयाग में जब पहुँचे दोस्तों वहाँ पर भी इनका मंदिर वगैरह थापा। दोस्तों जिन जिन स्थानों पर नाम ले रहा हूँ मैं दोस्तों, इन इन स्थानों पर इनकी पूजा होती है दोस्तों वहाँ पर आज भी, मतलब नागेंद्र देवता की। तो दोस्तों जब वहाँ पर पहुँचे दोस्तों, वहाँ पर पहुँचने के बाद इनको मंदिर अंदिर थापा वहाँ पर भी इनका, वहाँ पर भी इनने पूजा पाव करी, पूजा पाव से इनका नाम वगैरह सब लिया दोस्तों नगीला देवता का। और एक बार आप लोग सब मेरे साथ बोलेंगे, बोलो नगीला देवता की जय, अपने बाल स्वरूप रूप के दर्शन दिए उन्हें जय, वो नगीला देवता सदा रक्षा करना यार, तुम्हारी छत्र की छाया है यार, तुम्हारे नामों का स्थानों का मैं वो ले रहा हूँ दोस्तों नगीला देवता की। और जिन जिनके इष्ट हैं नगीला देवता, वो सब अपनी रक्षा के लिए और सब चीज़ के लिए सदा हमारी रक्षा करेंगे दोस्तों, जय हो नगीला देवता सदा रक्षा करना। तो दोस्तों जो जब वहाँ पर इनका मंदिर वगैरह स्थापित हो रहा था, इनने पूजा भाव करी, उसके बाद दोस्तों ये लगा डोला, इनने पकड़ा डोला और उठा के लगे और आगे चलते, मैंने नगीला देवता की जय, नगीला देवता की करते हुए दोस्तों धूमधाम में यह चलते रहे आगे। फिर दोस्तों मैथुन का कुमार गांव में पहुंचे, वहां पर भी इनका काफ़ी स्वागत और विश्राम। जब उन्हें पता लगा कि एक देवता आ रहा है, वहां के लोगों को पता लगा, तो दोस्तों वो पहले से ही इंतजार कर रहे थे कि आहा दोस्तों हो ही जाता है, कोई चर्चा दे देता है कि आगे से देवता आ रहा है और आप तुम अपने वहाँ ये करो। तो सेवा भाव इनके काफ़ी करी दोस्तों इनने वहाँ पर भी, और वहाँ पर भी इनको मंदिर अंदिर में थाप के काफ़ी वो करा। वहाँ से इनने पकड़ा आगे को डोला होला पकड़ा नागेंद्र देवता का, कहाँ लेके पकौड़ा पानी, वहाँ लेके पकौड़ा पानी में लेके वहाँ पर भी इनका स्वागत और भव्य समारोह वगैरह काफ़ी कुछ करा। तो इनका वहाँ पर भी मंदिर थापा, मंदिर थापने के बाद वहाँ पर सब ने बोला जय हो नागेंद्र देवता की जय हो करके बोला इनने, और वहाँ से डोली वोली पकड़ी नागेंद्र देवता की और जय हो नागेंद्र देवता की करके आगे को चल पड़े। तरह से राजकोट विधि में भी पहुँचे, वहाँ पर भी काफ़ी इनका वो करा, इनने वहाँ पर भी मंदिर थापा इनका की। गाड़ी में पहुँचे वहाँ पर भी इनका काफ़ी बजार स्वागत श्रृंगार वगैरह करा, और नागेंद्र देवता का वहाँ पर भी इनने मंदिर वगैरह बनाया, तो वहाँ पर भी आज इनका पूजा वगैरह समारोह होता है। दोस्तों करते करते दोस्तों यह अपने स्थान पर पहुँचे कुंडा सोड़। तो दोस्तों वहाँ आज भी क्या होता है, हर 12 साल में इनकी जात यात्रा लगाई जाती है, और जिस पे नागेंद्र देवता वहाँ आते हैं वहाँ जाते हैं दोस्तों, वह गांव में पूरा इनका भव्य स्वागत और श्रृंगार करा जाता है। हर साल 12 साल में काफ़ी यात्रा वगैरह वहाँ पर लगती है, और लगने के बाद दोस्तों इनका जय जयकार का नारा कराया जाता है। जय जयकार का नारा लगाने के बाद दोस्तों इनकी काफ़ी धूम धड़ाके से यात्रा लगाई जाती है, डोली निकाला जाता है, फिर रथ पर इनको बैठाया जाता है, और रथ में ले जाने के बाद दोस्तों जिस पर डंगरिया आते हैं, जो डंगरिया होते हैं, जो नाचते हैं, जो औरतें भी नाचती हैं, आदमी भी नाचते हैं, इनके जो जिन पर शक्ति स्वरूप आते हैं इनके नागेंद्र देवता का, तो दोस्तों वह नाच के इनके मंदिर में जयकारा लगाते हैं। और अधिकतर आज भी अगर ये किसी पर नाचते हैं तो दोस्तों वहाँ भी नाचने के बाद दोस्तों कुमाऊँ की भाषा बोलते हैं, कुमाऊँ में लोग इनको जाने ना जाने, लेकिन ये वहाँ भी आज भी कुमाऊँ की भाषा बोलते हैं, कुमाऊँनी बोलते हैं दोस्तों नागेंद्र देवता, जिस अपने डंगरियों पर जिस पर भी अवतारी लेते हैं तो कुमाऊँ का ही प्रचार करते हैं दोस्तों। ये नहीं कि गढ़वाल में तो गढ़वाली देवता बोल रहे हैं, तो दोस्तों ये कुमाऊँ में बोलते हैं और गढ़वाल की रक्षा करते हैं दोस्तों, ऐसे देवता हैं दोस्तों नागेंद्र देवता। तो दोस्तों हम कुमाऊँ वालों को भी मतलब देखना चाहिए कि हमारे परचुनी देवता कुमाऊँ के, और दोस्तों इनको वहाँ भूमिया बोला जाता है, भूमि के देवता बोला जाता है, जो इनके और इनको जो इनका धाम हुआ दोस्तों, इनका धाम कहाँ हुआ पता है दोस्तों आपको, इनका धाम हुआ बद्रीनाथ, जो भगवान विष्णु का परम धाम है वहीं से इनका धाम है। और दोस्तों जो घंडियाल देवता है ना, घंडियाल देवता, जो घंडियाल देवता दोस्त, जैसे घंडियाल देवता कौन है दोस्तों आपको मैं बताता हूँ, घंडियाल देवता होते हैं द्वारपाल, रखवाले होते हैं दोस्तों। तो दोस्तों जो दिल्ली की रक्षा करते हैं वो घंडियाल देवता। अब दिल्ली की रक्षा कौन कौन करते हैं दोस्तों मैं आपको बता, जैसे भूमिया देवता करते हैं, गोलू देवता करते हैं, बजरंगबली जी करते हैं, भैरव देवता करते हैं, ये दोस्तों ये रखवाले होते हैं, माता के रखवाले होते हैं। जहाँ जहाँ माता का मंदिर होगा तो ये सब पहरेदार होंगे, चौकीदार होंगे दोस्तों, ये माता का ध्यान नहीं छोड़ते,
रहते हैं, प्रभु का होगा तो प्रभु के ध्यान में रहेंगे, माता का होगा तो माता के ध्यान में रहते हैं। तो यह सब क्या थे, तो ये घंडियाल देवता के एकदम नागेंद्र देवता इनके घंडियाल देवता के भांजे होते हैं दोस्तों। तो दोस्तों यह परंपरा है वहाँ पर चली हुई है। और दोस्तों जो जैसे नागेंद्र देवता की अगर पूजा करोगे, जो जो मैंने आपको स्टार्टिंग में कथा बताई दोस्तों, वह कथा इनकी उसी में से सुनाई जाती है कि ऐसे ऐसे इनका अवतार हुआ, ये हुआ, यहाँ से ऐसे हुआ, विनीता कुंद्रा और इनकी कहानी सुना के। और दोस्तों जो भागवत बुलाया था, भागवत में बुलाया था, भागवत हो गया और ये हो गया, तो उनको वही पूजा लगती है। क्योंकि दोस्तों आप कोई और चीज़ की पूजा करके ऐसे करके इनका कर दोगे तो वो विधि विधान नहीं लगता है इनको। जो इनको जो पूजा करती है, जैसे आप भागवत करा लो और ये करा लो, नागेंद्र देवता को बैठा दो, नागेंद्र देवता को बैठाओ, तो आप करते हो। दोस्तों जो इनकी सवारी बुलाया था, इनकी सवारी शेर की बुलाया था, सिंह की सवारी हुई बुलाया था। और दोस्तों जो जब यहाँ उत्तराखंड में आए थे तो मात्र 6 साल की उम्र में तो इनने अपना घोड़ा पकड़ लिया था दोस्तों। और घोड़ा पकड़ने के बाद दोस्तों ये सिंह की सवारी करते थे और गुफाओं में जाते थे, अलग अलग गुफाओं में, और अलग अलग बुलाया था। ये क्षेत्रपाल हुए दोस्तों, भूमि के क्षेत्रपाल हुए, भूमिया हुए। और इनकी छत्र की छाया दोस्तों कहाँ कहाँ, इनके दोस्तों कहाँ कहाँ मंदिर नहीं है गढ़वाल में, हर जगह। और दोस्तों जो इनके भगत हैं हर जगह फैले हुए हैं दोस्तों। कहानी कैसी लगी आपको, मैंने अपने पूरे बेग और ध्यान बुद्धि से मैंने आप लोगों को यह कहानी सुनाने की चेष्टा करी है। और मैं दिलीप जी के आभार पर यह कहानी बनाई है मैंने, और दिलीप जी ने भी मुझे घंडियाल देवता के बारे में बताया। और दोस्तों मेरे एक चैनल में से और मैंने लिया है दोस्तों, मैंने उनकी बुजुर्ग की हैं, उनके मुंह से भी कहानी सुनी। तो दोस्तों उनने इतना कहा था उसमें लास्ट में कि यह देवता का प्रचार करो और ये करो, तो दोस्तों मैंने इस वजह से वह वीडियो उस चैनल से उठा दिया। तो दोस्तों मैं आप लोगों को वह वीडियो भी दिखा दूंगा। परंपरा से सुना है हमने, देखा हमने कुछ नहीं अभी। अब हम देवते को देखते हैं, हमको देखते हैं कि हमारे पूर्वज जैसे नेगी हुआ और कोई एक जात और गई थी, नमक के लिए गए थे कहीं कुमाऊँ की तरफ गए थे। कुमाऊँ की तरफ पहले उस टाइम पैदल आना जाना था, तो ये कुमाऊँ गए, वहाँ से नमक भरा है उन्होंने। तो किसी वडार पे, पहले वडारन था मकान ही थे बासरेन, तो बासरेन से उन्होंने रात को चुटको लगी था। तो ये कन उठे और दस दिन जोड़ा कन कि क्या चाहिए, दो क्या चाहिए, जब ये वडारा प्योट तो सबेरे हूँ उन्होंने सुखन लंकर हुए कि तुम उठा नहीं सके। तो उसने जाकर भोजी कुछ कुछ ये जब तक हो या कोई हुई हमने लचा दी जान। तो तब लून है कंडी गरी हुए, लून बस फटिंग निकली, नाक निकली। तब यह पुजारी सब बड़े ना बदल सकते, पुजारी सब बड़े ना बदल और कोटी नहीं दी जाते ये चलें फसल चलें। काफ़ी समय तब गंगा जी में श्रीनगर धनार बैठे जाते हैं टाइम पर, और धनार खेजा था वहाँ लुफान वाली मिशन बाबा रसों पर। तो तब तो उम्र की जब तक हम तो चल जाए बाबा आला सब धनवार में जैसे हम चल जाए मैं तो इनका घबार जाना। जब तक बोली कि मैं तो अपने फटे लिंग में पता लिया जाऊँ गाड़ पर पता चल जाऊँ। और जब तक धनवार से जाप देनी अशेरा सफर कौन गया, क्योंकि पैसे नहीं सोचा वहाँ बने जाना श्रीनगर में, श्रीनगर में सब कुछ बैठे बैठे तब बूढ़ी मिले सुनता हूँ बूढ़ी बूढ़ी मेरा बना पानी दी ना तो बूढ़ी से माता बना पानी पिला दिया सुबह बात से हम कैसा जाना बूढ़ी बोल तुम खड़ा रहा मैं गंगा जी में तुम मुझे पानी दूँ। जब बूढ़ गंगा जी में गए तो जब तक हमें कुदरत कर देंगे तुम धारो भी आज भी धार चलो सिंगर के नगर हाँ जब आज धार भी चलो आज भी धार जी भी कि जब तक ये प्रकार से सब कुछ करी तब लैसे भी पहुँची लैसे में भी सब कुछ सब मनाए। तब जब हमारे बुजुर्ग बंधा है कोई कुमार माल घूम रहे आया था हराना लोग था सी। तो जब तक बोले भाई जब तक जगह जगह गए जगह जगह गए जब तक जल कैसे लगे नहीं कुंड में जब तक कुंड बन जब तक बज रहा गाँव आज तक जब तक बन जाएगी अब ब्योर तो तकना जा हमारा बुजुर्ग अनुभव था। जब तक जब ब्योर धर्म बहुवचन करें कि तेरी संतान होली और संतान बना दे मन में उठो आज भी बोल। तो जब तक संतान हुए संत को मास को जिंदो छो छः महीने मुँह से बदलते मुँह संतान हुए भागों का मैंने बात बैर घाम पर छो सो उठाया बागना रहा बैठा गए तो 6 महीने बागना पाया अब दूधी पर 6 महीने बाद फिर बागन तक में धरी तई चौक में आज भी चौक खड़ो छो छः जगह आज भी खड़ी छो 6 महीने मुँह से बुलाते थे तब मुँह थू माहू फगु गरीबिया थोबू रथनू नारायण सिंह मेरदल था सत्य सिंह मेरे बाबा था बसंत सिंह मेरे आज नौ पीढ़ी हो गई हम लोग नौ पीढ़ी हमारे कुल में हमसे नौ पीढ़ी हुई ना हरी ने कोई सुन ली क्या पूर्व लक्ष्य पहले 18 गाँव तब छो अब 26 गाँव होगी पर तीस हाथ लक्ष्य थे पतन के दार छू सात लाख सलाह नौ लाख दिमाग मुझे जब तक ये भी कुछ है ही नहीं कहीं भी जा तू और तो ये कुछ ना सकती थी ये तो सकती थी सब बारह अट्ठे आते हैं बारह अट्ठे तो नहीं गए थे ना अच्छा बारह अट्ठे जब सर जब कर लिया कहें तभी एक बार मैं भगवान नरसिंह की जगड़ी
अजकल भगवान का टाइम पर समझ आता उत्तों उन्नर सिंह अजकल जब दर्श हुआ काल भैरव से क्षेत्र पाल से और सभी देवता के जब दर्शन हम पन्नों में चाहिए देवी भगवती सभी दर्शन मैंने सब देवताओं का सम्मान इसको मिला हुआ है। हर देवते के धाम जाता है, हर देवते धाम जाता है, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात कुछ नहीं। अब ऐसा है कि अब इससे बड़ी कहानी तो सब बहुत टाइम लगता है इसमें, लेकिन मैंने हल्के फलके तुमको सुना दी तो नौकरी भी नहीं बजर पूरी नौकरी आप लोगों के लिए है कि जो आप इस देवता का प्रचार प्रकार से करें ना आप लोगों के लिए अच्छी बात है। आप लोगों का साथ इस घास के बाद रहा पर ऐसे तुमने की बात अच्छा मानवा हर वक्त तुम के साथ रहा इसमें कभी तुम्हारे बुजुर्ग बुनीस के साथ हर वक्त अपना जीविया लगाया अपना तन मन लगाया आज देवता यहाँ तक पहुँचा आप लोगों का आशीर्वाद है। हमारा कुछ नहीं है, मुझे जागीर मिलती है, मुझे पेंशन मिलती है राज खानदान से परंपरा से। तो राज खानदान समय यहाँ जो पैसा मिलता था जागीर मिलती थी मैंने मैंने की अब तो राज खानदान भी खत्म हो गया। अब कोई राजा रुदत को अब कुछ नहीं है, अब खत्म हो गया वो पेंशन मिलती थी हमको एवं प्रकार से जब तक सब कुछ रही थी वह पुराने जैसे हैं पुराने तेने तेने हम तो रीत पर चलो जब तक हम पहले बैठे ना आज हमने प्रक्रिया उसकी कुछ नहीं कर सकते बिल्कुल और पब्लिक भी तेरी रीति वर्ष एवं प्रकार से बड़ा। और मैं ये कहता हूँ भगवान तुम्हें चिरंजीव रखे देवता के आशीर्वाद तुम्हारा साथ रहे तुम्हारे बाल बच्चे फले फूले तुम्हारा जो है मनोकामनाएं पूर्ण हुए होगा तुम्हारे घरों की जो है कुकी भाग बोलो पैरों भाग बोलो भगवान सबको तुमको मिलेगा जब तक तुम लोगों का इसका आशीर्वाद मिलता रहेगा सबको मिलता तुम्हें कोई परेशानी होगी। तो दोस्तों और यदि मेरे से इस कहानी में कहीं पर टूटी या कुछ भी रह गया होगा तो दोस्तों मैं सभी से माफ़ी और क्षमा याचना करना चाहूँगा। एक बार फिर से दोस्तों नगेंद्र देवता जहाँ जहाँ तक हो सबकी रक्षा करें और परिवार में सुख शांति और सबका बनाए रखेंगे। दोस्तों मैं एक बार फिर से दोस्तों नगेंद्र देवता की जय बोलता हूँ दोस्तों और सभी से बोलता हूँ दोस्तों मेरे चैनल में अगर आप पहली बार आए हों तो दोस्तों मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें दोस्तों। और दोस्तों एक चीज़ और दोस्तों जो सब्सक्राइबर मेरा वीडियो देख लेगा तो दोस्तों उसे कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, सब चीज़ का निचोड़ आता है, सब चीज़ का मैं निचोड़ इसी में डाल देता हूँ कहाँ से क्या होता है दोस्तों। और दोस्तों मैं इसलिए अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा ज़्यादा ना बोल के। धन्यवाद आप सभी का मेरे वीडियो में देखने के लिए।